नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। यूपीएससी की परीक्षा तमाम मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इनके सवाल उतने ही घुमेदार होते हैं, पेचदार होते हैं। साथ ही साथ जो उम्मीदवार होते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस में सफल होने के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि यूपीएससी फाइनल इंटरव्यू में चुने जाने के बाद मॉक इंटरव्यू में भी शामिल होते हैं, जिससे उनकी जो पर्सनालिटी है उनको और भी वो बेहतर कर सके, क्योंकि यूपीएससी की जो इंटरव्यू ली जाती है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट माना जाता है उम्मीदवारों का। एक ऐसा ही हम आपको बता दें कि सवाल जो कि काफ़ी पेचीदा पूछा गया, यूपीएससी 2020 में 491 रैंक लाने वाले कुमार केशव से। जी हाँ, यूपीएससी 2020 में 491 रैंक लाने वाले कुमार केशव ने भी फाइनल इंटरव्यू में शामिल होने से पहले मॉक इंटरव्यू में शामिल हुए। उनसे भी काफ़ी घुमेदार और पेचीदार सवाल किया गया। दरअसल उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर एक अच्छा कमाने वाली लड़की एक बेरोजगार व्यक्ति से शादी कर लेती है तो आप क्या कहेंगे। पहले तो केशव ने इस बारे में सोचा और फिर सोचते हुए स्मार्टली इसका जवाब दिया। केशव ने कहा कि मैम, ये लड़की की चॉइस है। अगर उसे वह लड़का अपना जीवन साथी के रूप में पसंद आ रहा है तो वह कर सकती है। हो सकता है कि लड़का किसी परीक्षा या फिर स्टार्टअप की तैयारी कर रहा हो या फिर उसे अभी तक कोई नौकरी ही नहीं मिली हो। लेकिन जो बोर्ड मेंबर थे वो इस सवाल को थोड़ा और घुमा दिए। जी हाँ, उन्होंने घुमाते हुए पूछा कि दोनों ने मिलकर ये तय किया कि शादी के बाद लड़की कमाएगी और लड़का घर पर रहेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो केशव ने जवाब में कहा कि अगर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया है तो मुझे की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है। अगर हम सालों साल एक ही ऐसी प्रथा चला सकते हैं जिसमें लड़का कमाएगा और लड़की घर पर रहेगी, और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लड़की कमाए और लड़का घर पर रहे तो वह उनके लिए ठीक है। यानी कि केशव ने साफ तौर से कहा है कि ये सवाल जो है उनके व्यक्तिगत चॉइस पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से जीवन जीना चाहेंगे, क्योंकि शादी के बाद जो लड़का और लड़की है वो दोनों का आपस का निर्णय होता है कि वो लोगों की व्यक्तिगत चॉइस जो है वो आखिर क्या हो सकती है। तो केशव ने इस तरीके से मॉक इंटरव्यू में पूछे गए जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने जो सवाल किया उसका बहुत ही स्मार्टली उन्होंने जवाब दिया है कि कैसे घुमेदार सवाल थे और जो भी सवाल किए गए हैं उनका उन्होंने स्मार्टली जवाब दिया है कि व्यक्तिगत चॉइस से लड़का और लड़की जो है वो एक निर्णय ले सकता है, उनके आपसी निर्णय है, उनकी अपनी मर्जी है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।